बाई मॉलिक्यूल ई टू मैकेनिस, क्या ले रहे हैं ई टू मैकेनिस। तो मैं आपके साथ हूं, हेडिंग डाल लीजिए बाई मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शंस बाय मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शंस। कैसे सोचेंगे इसको, क्या बोलेंगे? पहले तो ई टू, ई का मतलब एलिमिनेशंस, टू का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो बाय मॉलिक्यूल रिएक्शंस। हाँ या ना, क्लियर है? तो ये आपके लिए हो गया बाय मॉलिक्यूल रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? अब होगा क्या, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जनरल रिएक्शन क्या होगी? जनरल रिएक्शन आपके पास ये होगी कि ये कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा, कोई भी लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, मैंने यहां लिविंग ग्रुप लिख दिया एल, ये एक्स है आपके पास, एच है हाइड्रोजन जो लीव कर रहा है, एल्कीन या तो ये या ये, या कुछ हद तक ये भी, ये माइनर होगी और ये प्रोडक्ट मेजर होंगे, ये बहुत ज्यादा बनेंगे और इन दोनों में भी ये ज्यादा बनेगा ट्रांस वाला, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो इनको हम बोलेंगे सेट जेफ और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बिल्कुल सही है, हॉफमैन रिएक्शंस। अब मैकेनिज्म की बात आती है, ऑब्वियसली यहां पर आपको क्या चाहिए रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए रहेगा। स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए? क्योंकि हम कार्बोकैटायन नहीं बनाना चाहते, कार्बोकैटायन नहीं बनाना चाहते पूरा एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अब मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, थर्ड नंबर पे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इस तरह से होगी कि आपके पास ये, आपके पास लिविंग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया ओ आर माइनस, क्या ले लिया आपने? ओ आर माइनस, ओ आर माइनस बेस है, इसका पता कैसे चलेगा? ये एच पे अटैक करेगा, पक्का? अगर ये इस कार्बन सेंटर पे करता तो ये क्या बन जाता? न्यूक्लियोफाइल, ये बेस है, ये बेस है, थोड़ा सा हीटिंग भी कर रखा है आपने, तो क्या बनेगा आपके पास? जैसे ही इसने ये करा, इसने क्या किया, इसको लिया, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला बाहर चला जाएगा, तो कुल मिला के आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन। समझ में आ रहा है? तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सेटजेफ रूल, मोर स्टेबल एल्कीन। तो मुझे कौन बताएगा मोर स्टेबल एल्कीन क्या होती है जिसके पास? मोर स्टेबल एल्कीन हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना? जनरेट इन मोर क्वांटिटी,
ये हमारे पास हुआ। तो अब आप मेरे को बताइए कितने स्टेप में बनेगा ये? फोर्थ नंबर। आर की वैल्यू क्या होगी यहां पर? के। क्या ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा? हाँ। क्या ये न्यूक्लियो वो बेस पे आएगा? हाँ। तो ये सब्सटेंस और बेस दोनों पे डिपेंड करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट, अगर आप वॉल्यूम को फोर टू टाइम्स कर देंगे तो बताओ रेट कितने टाइम्स होगी? वॉल्यूम टू टाइम्स कर दिया तो रेट कितने टाइम्स होगी, जल्दी बोलो। वेरी गुड। रेट क्या होगी? 1/4 टाइम्स हो जाएगी, डिक्रीज होगी। हाँ या ना? तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट आया। अब आप मोटा मोटा ये सब कुछ कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? ये बात तो तय है कि हमारे पास ये सारी रिएक्शंस आ रही है। ई टू है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, तो हमारे पास सिक्स नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इससे क्यों लिख रहे हैं? नो कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा? इससे ये पता चल रहा है कि नो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन पॉसिबल। और इन दोनों को मिला के क्या करता हूं? नो 1-2 शिफ्टिंग इज प्रेजेंट, 1-2 शिफ्टिंग इज प्रेजेंट। कोई भी 1-2 शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब नेक्स्ट सेवेंथ, अगर 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, सही है, तो हमारे पास कितने स्टेप्स में हो गई है? वन स्टेप में। बिल्कुल, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ध्यान रखना, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो एनर्जी डायग्राम कैसा होगा इसका? एनर्जी डायग्राम इसका ऐसा होगा। जनरली ये कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है, ये बिल्कुल कैस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या, यहां तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ट्रांजिशन स्टेट। पक्का? अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? बेस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा होता है, ये वाली अटैक कर रहा होता है, ये सब कुछ निकल रहे होते हैं। तो आप क्या चाहते हो, एक सेकंड के लिए बोलो कि इसके लिए क्या चाहिए आपके लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल सही है, कम होना चाहिए। ज्यादा होएगा तो क्या फायदा होगा? तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो लिख लीजिए यहां पर एक और पॉइंट, एनर्जी फॉर ट्रांजिशन स्टेट शुड बी लेस। तो हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वहां हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत हमें उस पर भी करनी है कि ट्रांजिशन स्टेट के लिए, ध्यान से सुनना, तो कुल मिला के इस चीज को ऐसे देखो आप, मैं आपके साथ हूं। यहां हमारे पास रेट इस बात पे भी प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो कई बार इस बात पे भी रिएक्शन रहता है कि हमारा जो बेस है, सुनना एक बार और मेरी क्या कहना चाहता हूँ, हमारा जो बेस है वही न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल ही बेस होता है, ये बात तो अपन कर रहे हैं। बस अंतर ये होता है कि एक बेस जो होता है, समझ, वो एच प्लस पे अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन प्लस पे। तो बिल्कुल सही है। तो काम की बात ये कि हम यहां पर हाइड्रोजन पे अटैक करा रहे हैं, किस पे करा रहे हैं? हाइड्रोजन पे। तो कुल मिला के अगर हाइड्रोजन पे अटैक करा रहे हो आप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इतना रोल होगा क्या, सोचने की कोशिश करो। मान लीजिए ये आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है या कोई भी लिविंग ग्रुप है यहां पर, और यहां पर आपके पास इतने हैं, 3 डिग्री है, क्या है यहां पर? 3 डिग्री है।
दो केस ले रहे हैं अपन, यहां हमारे पास कोई भी एक्स माइनस है, इसको नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मैं बेस बनूं या न्यूक्लियोफाइल बनूं। अब आप बताओ कि क्या ये इस जगह जाके स्ट्रांग तो है, क्या ये इस जगह जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की कोशिश करेगा क्या? क्या ये SN2 पॉसिबल होगी क्या इस जगह? नहीं होगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा, नॉट पॉसिबल या वेरी लेस पॉसिबल। लेकिन ये एक्स इसके पास हाइड्रोजन के पास जाता है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? ये बाहर निकल जाता है, सॉरी, ये इस हाइड्रोजन को ही लेता है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है, ये इस तरफ शिफ्ट होता है। क्या E2 पॉसिबल है यहां पर? हाँ, तो एक सेकंड के लिए सोचो कि ये हमारे लिए 3 डिग्री वाला तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा 3 डिग्री का होगा उतना ही ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, आपके पास क्या होगा, बनने वाली एल्किन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी उल्टा, मतलब हम ये मान रहे हैं कि SN2 की रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री की तरफ जाने पे कम होगी, लेकिन E2 की रिएक्टिविटी SN वो 3 डिग्री की तरफ जाने पर बढ़ेगी। तो अगर आप SN2 की बात करते हो तो ध्यान से सुनना, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 मिनट डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 डिग्री, 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जबकि यहां पर E2 की बात करते तो E2 के लिए क्या बोलोगे आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब क्लियर है? तो ये तो बेचारा 3 डिग्री आते आते, इसीलिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग एक्स माइनस है, तो वो अब SN2 नहीं देगा, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा SN2 नहीं देगा तो क्या E1 दे, SN1 देगा, SN1 नहीं देगा, फिर वो क्या देने लग जाएगा, E2। ये चीज को पकड़ने की कोशिश करो, तब वो क्या देने लग जाएगा, E2। तो ये हमारे को समझना है यहां पर। वही काम जो काम SN2 कर रहा था वही E2 करेगा, और इस जगह वो क्या बन जाएगा बच्चों, इस जगह वो बेस बन जाएगा, और यहां वो क्या बन रहा था, न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझ में आ रहा, आ गया अच्छे से? अब आगे तो एक तो रेट इस बात पे डिपेंड करती, एक बात और है, रेट प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगी, रेट प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप। कौन से नंबर का पॉइंट हुआ ये, जल्दी बताओ, ये कौन से नंबर का था आपके पास, 9 या 10? ये 10 नंबर पे लिखो, रेट लिविंग ग्रुप, यानी आर आई की रेट सबसे ज्यादा होगी, आर बी आर, फिर आर एफ, आर सी एल, फिर आर एफ। तो आपने क्या पढ़ा, जब फ्लोरीन होता है, आर एफ होता है, तो ना तो SN1 हो रही है, ना SN2 हो रही है, ना E1 हो रही है, ना E2 हो रही है, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। तो ये जो अल्काइल फ्लोराइड है इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, कैसे इन्वॉल्व होगी भाई, जब कार्बोकैटायन बनता है ना तब कोई दिक्कत नहीं आती है, स्टीरियो रैसिमाइजेशन या कुछ इस तरह का बनने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे है, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, ये सी सी, ये बी आर है, एच एच मैं यहां पर एच पीएच पीएच लेने की कोशिश कर रहा हूं, सही है? तो कोई मुझे बताए कि आपकी एल्कीन कौन सी होगी, सिस होगी या ट्रांस होगी इस जगह। देखो अगर दोनों हाइड्रोजन होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन करने की जरूरत पड़ रही है आपको, क्या जरूरत पड़ रही है, एलिमिनेशन। तो अब आपके पास कैसे सोचेंगे यहाँ पर कि कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, तीनों हाइड्रोजन होते तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपके। तो उसके लिए पहले इसको बनाओ आप, कौन सा, अब इसको न्यूमान में कन्वर्ट कर लो, न्यूमान में कन्वर्ट कर लिया, क्या बना सकते हो न्यूमान में,
सही है, ये न्यूमान में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब आप बताइए क्या होगा। पीएच पीएच बिल्कुल सही है, पीएच पीएच एच एच बी आर पीछे वाले भाई कोई सा भी लगा सकते हैं। और यहां पर क्या लगाओगे, एच बिल्कुल सही है। आपको ये बनाने में कम समय लगा, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी स्टीरियो अच्छी है, तो ये बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि ये बी आर हटेगा ना, तो एंटी वाला हाइड्रोजन हटेगा। कौन सा हटेगा? एंटी वाला। अब एंटी वाला हाइड्रोजन आपको दिखाना है, इस बी आर के एंटी वाला हाइड्रोजन कौन सा है? दिस। तो यहां आपको एंटी वाली पोजीशन में दिखाना पड़ेगा। तो या तो आप एक काम करो, बहुत इजी तरीका है कि बी आर को नीचे लाने की कोशिश करो। दोस्तों बी आर नीचे आएगा, तो जैसे ये नीचे आया तो ये इस तरफ क्या आएगा, पीएच, और इस तरफ क्या होगा, एच। पक्का? और इसको भी ऐसे लगा लो, इस तरफ पीएच और इस तरफ एच, इस तरफ एच, इसको ऐसे ले गए कि एच ऊपर दिखे। बोलो क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि ये बी आर और ये एच को हटा दो। हटा दिया, हाँ या ना? क्योंकि एंटी वाला निकलेगा। तो अब आपके पास जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन किस तरह की होगी? दोनों पीएच एक तरफ होंगे और एक तरफ ये हाइड्रोजन होगा। कोई डाउट नहीं है? बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? लेकिन अब आप कहेंगे सर यहां तो कोई सिस और ट्रांस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, स्टीरियो का फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे को। बहुत आसान है, एक काम करो यहां सी एस सी डाल दो। जैसे यहां सी एस सी डालोगे, पक्का? तो ये सी एस सी बताओ यहां कहां रहेगा आपके पास, मैं सही बता रहा हूं, हाँ या ना? ये लेकिन दिक्कत क्या आएगी, और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक मिनट मैं आपके साथ हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये एल्कीन बन रहा है, सही है। अब अगला क्वेश्चन मैं बहुत खराब देने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको बनाना है बी आर सी एच थ्री पी एच सी टू एच फाइव पी एच एच, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी बनाओ, डायरेक्शन में, और दोनों एच क्या दिखाई देंगे, सेम डायरेक्शन में। तो ये आपको इस तरह से सिस वाली एल्कीन मिलेगी। अब यहां बताओ यहां कौन सी एल्कीन मिलेगी, जल्दी से, तो आप एक्सपर्ट हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है सी एस थ्री पी एच बी आर, अच्छे से क्लियर है? और यहां क्या लिखोगे, सी टू एच फाइव एच बस, और नीचे क्या आएगा जल्दी से बोलो, पी एच, वेरी गुड। अब क्या करोगे, आप बी आर को ऊपर लाओगे या नीचे ले आओ, बात एक ही है। बी आर नीचे आती, सी एस सी यहां आया, सी एस सी यहां आया, यहां क्या आ जाएगा बेटा, पी एच यहां आ जाएगा। अब इधर देखो जल्दी से, एच ऊपर ले गए आप तो पी एच इधर आ गया और सी टू एच फाइव इधर आया। तो अब आपके पास इस जगह कौन सी बनेगी, जल्दी बताइए, सी एस पी एच पी एच अपोजिट डायरेक्शन में सी टू एच फाइव, और यहां पर क्या रहेगा, सी एस थ्री। बनाइए जल्दी से, आ रहे जा रहे हैं, और उसका नाम रख रहे हैं अपन सुपर ट्रिक ऑफ ई टू। अक्सर मैंने देखा है कि एलिमिनेशन करते वक्त बच्चों को दिक्कत आती है स्टीरियो वाली पॉइंट को लेते हुए, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो बातें हो सकती है यहां पर, एक कि लिविंग ग्रुप जो होता है, जैसे यहां पर लिविंग ग्रुप बी आर है और लिविंग हाइड्रोजन जो कि एंटी में होना चाहिए और एंटी में ही है, तो यहां आपने ले लिया सी एच थ्री, यहां आपने ले लिया सी एच थ्री, यहां आपने ले लिया पी एच, यहां आपने ले लिया पी एच, कुछ इस तरह का हो सकता है। या हो सकता है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में हो,
तो पीएच, ये सीएच3, और यहां आपने सीएच3 और यहां आपने पीएच, तो दोनों में एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। तो यहां एलिमिनेशन क्या होगा? इस चीज का होगा, और यहां एलिमिनेशन किस चीज का होगा? इन दोनों का होगा। तो दोनों में आपको क्या सोचना है, जब यहां पर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो, व्हेन केस फर्स्ट, व्हेन लिविंग ग्रुप एंड लिविंग हाइड्रोजन बोथ आर अपोजिट अपोजिट, देन देन व्हाट, देन ये दोनों किस डायरेक्शन में होते हैं, जल्दी बताएं, सिस। ये दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में, यानी कि इस जगह सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आप यहां पर देखें कि ये एल्कीन तो बनानी है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में बनाने हैं आपको, यानी पीएच और पीएच सेम डायरेक्शन में। यहां पर आगे बाकी दोनों बचे हुए वो भी ये सेम डायरेक्शन में बनाने, यानी ये आपका प्रोडक्ट होगा सुपर ट्रिक में। और अगर ये लिविंग ग्रुप, व्हेन लिविंग ग्रुप एंड लिविंग हाइड्रोजन्स बोथ आर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देन आपको क्या बनेगा? एल्कीन। ये दोनों जो है, ये पहले ये क्या थी? सिस पोजीशन पे, अब ये किस पोजीशन पे होगी? ट्रांस पे। तो ये जब ट्रांस पे होगी तो अब आपको सोचना बहुत आसान हो गया, पीएच और पीएच अपोजिट कर दो, ट्रांस का मतलब यही हो गया, बाकी सीएच3 सीएच3, सो इजी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिमाग ही नहीं लगाना, आ रही है बात? तो इसको लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास क्या है? हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, ए और बी सी और डी प्लस एच बी आर। तो बताइए कि आपके पास ए और बी क्या है? बी तो उसने दिया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, जैसे आर ओ माइनस आपके पास है, लेकिन ए क्या हो सकता है वो आपको बताना है। जब तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अपनी सुपर ट्रिक को अप्लाई करके, आपके आंसर्स हो सकते हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकते हैं, यहाँ पर सी सी हो सकता है, आपने एच और बी आर अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया, क्या डाल दिया? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एच बी आर अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया तो आप अच्छे से जानते यहां जो डालेंगे ए और बी, क्योंकि वो सिस पोजीशन पे रहते हैं ए और बी, तो ये आपने ले लिया ए और बी, बोलो या सुनो, आप बी और ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास ए और बी यहाँ पर है, तो आप सी और डी भी ले सकते हैं, तो इसके मल्टीपल चॉइस आंसर रहेंगे। तो जब आपने ए बी यहाँ ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए बी यहाँ पर ले लिया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, बोलो या सुनो। और एक और आंसर हो सकता है यहाँ पर, दूसरा आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? तो ये तो आपके पास हो गया सी बी आर एच और डी, और यहाँ पर बी और ए, क्लियर है? एक और आंसर हो सकता है आपके पास यहाँ पर, और वो हो सकता है यहाँ पर कि आपके एच और बी आर दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब एच और बी आर दोनों सेम डायरेक्शन में तो जो ये दोनों होंगे ए और बी, ए और डी, वो सेम डायरेक्शन में होंगे, या सी और बी ए सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर आपने यहाँ पर ले लिया इस जगह ए, तो ए के सामने कौन होगा? डी, एंटी वाले जाएंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, तो इनको इनको इस जगह क्या होना पड़ेगा? इन दोनों को एंटी वाले को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, एंटी वाले को सेम डायरेक्शन में होगा ना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी, और यहां क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो, बी। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में ये लेने पड़ेंगे, और ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले लेने पड़ेंगे, ए और बी, और अगर सेम डायरेक्शन में तो ए के सामने कौन आएगा? डी लेना पड़ेगा। तो लिख लीजिए इसको बहुत अच्छे से, क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कर रहा हूं कि आप किस तरह से सेटजेफ और हाफमान को देखते हैं, बेटा देखना ध्यान से, ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आपके पास इस जगह कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और एक्स, और यहां हाइड्रोजन है, यहां दो बातें होंगी, पहला आपके पास ओ सी एच थ्री माइनस आ सकता है, और एक आ सकता है
ओ माइनस सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। ये क्या करेगा, अब आपको ध्यान से सुनना, ये इस बेस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, यहां इस बेस पे अटैक करेगा, या ये कहा जाए कि ये वाला इस तरफ ले गया, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और ये वाला एक्स बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास कंपाउंड में एल्कीन कौन सी बनेगी, ये। लेकिन जब ये इसकी बारी आएगी तो ये पता है इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा, किसको, इसको, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाला फिर इस तरफ बाहर आएगा, तो आपके पास एल्कीन कौन सी बनेगी, इस जगह ये एल्कीन। ऐसा ये क्यों कर रहा है, इस पे क्यों कर रहा है, इसकी क्या लड़ाई है इससे, इसकी लड़ाई ये है कि ये इस पे हाईली स्टेरिक हिंडेंस है, हाई स्टेरिक हिंडेंस है। तो जब सामने वाले में किस में बेस में ही बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस हो, तो फिर वो उस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करता है जहां स्टेरिक हिंडेंस क्या हो, कम हो। ये बात हमें किसने बताई, हॉपमैन ने। तो हमारे को लेस स्टेबल एल्कीन मिल रही है इस जगह, एक तरह से लेस स्टेबल एल्कीन इस जगह मिल रही है, इस मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, हॉपमॉन, हॉपमॉन एल्कीन। तो हॉपमॉन एल्कीन के पीछे यही रीजन है, इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल, टी का मतलब टर्शरी, बीयू का मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, तो OTS करके अगर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास हापान बनाना चाह रहा है। और यहां पर मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी इस मेजर प्रोडक्ट, और मोर स्टेबल एल्कीन इस मेजर प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, जल्दी से बोलो, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, सेटजेफ, सेटजेफ एल्कीन। ऐसा नहीं है कि यहां हॉफमान या यहां सेटजेफ नहीं बनती, बनती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या रहती है, माइनर रहती है, पक्का। तो कब हॉफमान बनेगी, कब सेटजेफ बनेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना स्टेरिक हिंडेंस रखता है, और कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन सबको लिखें आप।